पाकिस्तान में लोग मरी नारायण का गान गए होंगे ईद मनाने, हम नाला देखने। चलो भाई भागो भागो, ये ना रात ईद कार छोड़िया है। दावत पे जाना था। चलो दावत पे खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज फिर नया व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। यहाँ से हम अपने एक्टिव टीम मेंबर को उठाएंगे, वही साहब को इधर से देंगे, और ये वही साहब की लोकेशन है जी। वही साहब आ रहे हैं मेरे ख्याल में। ये इधर देखो भाई साहब, ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे तो नहीं होता है। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेते। तो जी भाई साहब, क्या प्रोग्राम है? यासिर भाई के पास चले सर। ये है ना कि वही हमारा ठिकाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। उधर जाके देखते हैं ना कि क्या प्लान है। छड़ स्थान पहुंच चुके हैं जी। माशाल्लाह जी भाई साहब, ये तो वही जगह है ना। सरकार दरबार है यासरिया। खोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। तो पूरा सुमरा रखिए। अभी लाग वाला मिल रहा। आओ जी यासर भाई, ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। इसी ड्रेस में? इसी ड्रेस में? नहीं ड्रेस में नहीं, वो अच्छा 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 होता है, चेंज कर लिया। मैं समझा इसी ड्रेस में ईद पढ़ दी जनाब। ये तोप है ना, तोप। अच्छा अच्छा, ईद पढ़ के बाद में इसको लटका दिया है। अच्छा अच्छा, ये पहना था। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, जैसे पाकिस्तान में सिर्फ 14 अगस्त को एक तोप को गोला फायर करते हैं ना। जी जी जी, तो ये भी साल में दोबारा तोप लटका दिया। वो पतीला रखा हुआ है ना, हल्की आंच पर। इसमें जनाब घी में थोड़ा सा ये अपना दालचीनी, ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं ये। अच्छा, बादियान। बादियान का फूल है। अच्छा, वो मजबूत। और ये काली मिर्च डाल के उनको फ्राई करके फिर उसके अंदर हम गार्लिक और ये जिंजर का पेस्ट डालेंगे उसको अच्छी तरह। उसके बाद उसमें मटन डाल देंगे, वो थोड़ा सा भून जाएगा फ्राई करके। उसके बाद उसमें प्याज डालेंगे। माशाल्लाह। लास्ट में टमाटर डालेंगे। चलो ठीक हो गया। चाय में क्या इलायची डाल दिया ना? हाँ जी, इलायची डाल दी, इसलिए ज्यादा कर रही है ना, छलांगे मार रही है। बाद में पत्ती डालोगे, फिर दूध डालोगे, बस चाय बन जाएगी। हाँ जी, चलो ठीक। जी 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 जी, गरम गरम चाय पास जा चुकी है। अभी नाश्ता, अदरक वाली चाय है जनाब। सर भाई ये देखेंगे, बिस्किट खाने के चक्करों में और चाय पी जा रही है। माशाल्लाह भाई साहब भी नाश्ता कर रहे हैं। ये रोटी तो हाँ जी यासर भाई, छापा पड़ गया, क्या बना रहे हैं? ओ जी, मटन कढ़ाई बन रही है जी। मटन कढ़ाई, बट कढ़ाई वाले तरीके से बना रहे हैं? नहीं दावत पे जाना था। चलो दावत पे खाएंगे। ने इसको दिया था तो इसने पहली दफा पहना? नहीं जी, ये तकरीबन दूसरी दफा पहना है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है माशाल्लाह। चलो जी निकलते हैं, निकलते हैं। चलो जी, चलो जी निकलते हैं जी, निकलते हैं। वापसी पे आके ये खा लेंगे, मुश्किल नहीं है। जी जी, यासर भाई को ड्राइविंग सीट दे दी है। भाई साहब आपको मंजूर है? नहीं, हम तो कितने अरसे से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई गाड़ी इनको दे दे। नहीं, गाड़ी तो इनको नहीं देनी, ड्राइविंग सीट है। ये गाड़ी अभी नहीं की है ना जी? गाड़ी नहीं जी, चल पड़े हैं नया डेस्टिनेशन की तरफ। पक्की रास्ते नहीं, मैं ऐसी बंद करता सी जैसे वैसे देखो। रवान दवा
जेताल राज है यहाँ, जिसका बैंक भी है उस बंदे ने बनाई होगी, उसी बंदे ने बनाई है, उसके नाम पे रखी हुई है मस्जिद। बैंक कैसे उसे देखा, इधर से हम टर्न लेके वो उधर चले गए। जी जी, तजर्बा से इंसान सीखता है। यासर भाई जिनके पास जा रहे हैं ना, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा यार सुबह टाइम नहीं मिलना ईद वाले दिन, तो उन्होंने रात ही इशा की नमाज पढ़ के करवाने का, उन्होंने इशा की नमाज के बाद ही दोनों बकरे जनाब ना, दोनों कर दिया एडवांस। सोचा चलो यार अगर एक की भी अगर मिल जाए ना दोनों के बदले, जी जी चल जाएगा। जी जी, ये फीफा वालों को नजदीक एयरपोर्ट कौन सा पड़ता है? अबा जी जी, या अबा इसी रोड पे है? ये देखो ये नाला था ना, यस नाला के ये देखो वो है जी वर्षा, ये इधर हमारी डेस्टिनेशन है, लेकिन हम यू टर्न करके आएंगे। याद आया? आ गया। अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं हमारी नई डेस्टिनेशन पे। ये देखें, ये नया काम बिजनेस स्टार्ट किया है जाफर भाई ने, स्टील का काम भी शुरू कर दिया है। ये हम पहुंच चुके हैं जी, ये हैं जी काशिफ साहब, छापा मार रहा ये केड़ी ईद हुई भाई, बस भाई यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक जनाब, मुबारक तुझे सुनाओ। तुसा दसना राती ईद कर छड़ी आए? राती बच एक अलीदाबी में फिर रहे हैं, उसकी गलियों में घूम रहे हैं। इधर से अलफीफा 50 किलोमीटर दूर अलफीफा जो है ना वो माउंटेन पे है, जैसे हमारे इलाके में पाकिस्तान में जैसे मरी के इलाके हैं ना नारायण का सराल फीफा माउंटेन पे वाक़ है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। जी जी, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। जी जी, ठंडी मतलब गर्मा गर्म, ऊपर जाएंगे तो ठंडी आएगी ना, यहाँ पे कैसे ठंडी हवा चलेगी। हाँ तो नीचे हम सबसे नीचे हैं, लेकिन फिर भी असर के बाद ठीक हो गया मौसम थोड़ा, जोर पे आते तो बहुत गर्म था। ये जो कीकर के दरख्त हैं ये इधर हो गए थे रोड के ऊपर आने वाले थे, तो इसको मशीनों की मदद से पीछे किया, मशीनों की मदद से ये देखें पीछे धकेला गया है। ये कीकर है, जैसे पाकिस्तान में कीकर होते सेम है ना। चलो जी माशाल्लाह, दिन गुजर गया, दिन गुजर गया, असर हो गया, जाते जाते मगरब हो जाएगी, फिर रात को सोएंगे और सुबह ड्यूटी खलास। यही तो ईद होती है, ड्यूटी जम के आएगी ना, परदे आती है। जी जी जी, चलो इंशाल्लाह। ये रोड नीचे जा रहा है, देखें खाई है, देखें नाला है पूरा सेम नाला, नाला देखने चले आ जाओ नीचे, जरा नाला देख के आते हैं। ये नाला देखते हैं जी नीचे जाके, के इधर जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती है ना तो ये जनाब दरिया बना होता है। अच्छा। अभी तो इधर कुछ नहीं है ना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती है ना फिर देखने वाला होता है भाई। इस तरह नाला
वो पिंडी में नाला लगी है और इधर ये नाला गई है। जी जी भाई साहब, उधर किसी ने कुआं खोदा हुआ है? बोर की तब आई पे लगा हुआ है। अच्छा, दो मोटर लगी हुई है। वही तो बता रहा हूं ना, कुएं में मोटर लगाई हुई है। पंप लगा हुआ जी नीचे। अच्छा, सबमर्सिबल पंप? हां, सबमर्सिबल टरबाइन। अच्छा अच्छा, वो इतने जाग आप तो कई लगा रहे हैं ना, आप कौन सा आगे जाके देखा है? ये पहला ना भाई भागो। चलो भाई भागो भागो, ये नाले के ऊपर ब्रिज बनी हुई है, ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही है। ये देखो ऊपर लोगों ने घर बनाया, बहुत ऊंचाई पे घर है, बहुत ऊंचाई पे घर है। अच्छी ऐसे चलो भागे जी, फिर नहीं तो ये कुत्ते अब हमला के लिए तैयार हैं। ये अरबी में तुम भूल गए हो? ला हौला वाला अस्तगफुरुल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, ये ना फिर लेने के दे दे पड़ जाए, भागना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। यासर भाई आ जाओ आ जाओ, कुत्ते रेडी है हमले के लिए। हां जी आ जाओ आ जाओ, ये ना फिर यासर भाई का उठा के किसी अस्पताल में ले जाए। क्यों भाई साहब? इधर तो पता नहीं टीके लगाते नहीं है, पाकिस्तान में तो टीके लगाते हैं। वो तो पता नहीं कुत्ते के काटने के बॉस कितने, पता नहीं इनके 40 टीके होते हैं। हाँ जी 40। ओ हो पाकिस्तान में लोग मरी नारायण का गान गए होंगे ईद मनाने, हम नाला दे बस खुश। देखें एसी चल रहे हैं अलातूल, यहाँ पे एसी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है भाई, बहुत गर्म मौसम है यहाँ का। ये देखें ये हमारे दोस्त की वर्कशॉप आ गई। ये इससे लोहा काटते हैं ओके, और उधर वो गेट और बाकी चीज़ें बनाते हैं। माशाल्लाह जी इनका अपना बिजनेस है। इसके रूम में सब सहूलतें मौजूद है, किचन बात है। जी जी न्यूट्रल कर देती है। पहले पहले शुरू जो बाथरूम जरा से ना लोग पहले खेत नहीं जाते थे, ठीक है, फिर आस्ते आस्ते बाथरूम जरा ना घर के बड़े दरवाजे को आ गया। इसने हम नमाज पे गए थे, इसने पीछे कंप्लेन की चाय सही नहीं मिली, तो उन्होंने फिर बना दिया है। ये मेरा कप चाय है। आए हाय आए हाय। अर्शद साहब जिंदाबाद, अर्शद साहब जिंदाबाद। आज पूरा दिन जनाब इनके साथ गपशप की है, हम देश से आए हैं, तो आज हम जा रहे हैं वापस, फिर इंशाल्लाह इनके पास मिलने के लिए आएंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने हमारे पास आना, ठीक है, ये व्लॉग में आप प्रॉमिस कर रहे हैं। हसन गजवानी है ना ले तैयारा, माशाल्लाह इधर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं। चलो जी मिलो जी मिलो जी मिलो जी, चंगा जी ठीक है जी, अल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात, मिलो जी मिलो जी। चलो जी अच्छा सा है, दोबारा ईद मुबारक है। ओके अल्लाह हाफिज़।